ये कैंगरू कोट नहीं होगा। कैंगरू कोट आपको पता है क्या होता है? इट्स अ रबर स्टैम्प कोट व्हिच वाज देयर ड्यूरिंग योर टेन्योर, बट दिस कमिटी हैज बीन एम्पावर्ड। देश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना हमारी वचनबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में युवाओं की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि नहीं युवा भाई, हम युवा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। 30 साल के हम युवा है और हमने लोगों से वोट मांगा है, अच्छी बात। युवाओं ने हमारा समर्थन किया है। प्रदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना हमारी वचनबद्धता है। जितने भी विषय प्रदेश के अंदर चले हुए हैं, चाहे वो हमारे जेओए 817 के है, चाहे वो हमारे अध्यापकों के है, चाहे वो हमारे रिक्रूटमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स पड़ रही है, हमने इस विषय को गंभीरता के साथ कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाया है। एंड आई होल हार्टेडली थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऑफ विच आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। एंड आई कैन अश्योर यू, मैं बारी बारी इस चीज को बोलता हूं, आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। जहां पर हमको लगेगा कोई कमी है, हम युवाओं की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। ये कैंगरू कोर्ट नहीं होगा। कैंगरू कोर्ट आपको पता है क्या होता है? इट्स अ रबर स्टैम्प कोर्ट व्हिच वाज देयर ड्यूरिंग योर टेन्योर, बट दिस कमिटी हैज बीन एम्पावर्ड। इसमें जितने भी, चाहे वो हाई कोर्ट के मसले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मसले हैं, चाहे वो और इसको इश्यूज है, थ्रेड बेयर इन इश्यूज को उठाया जाएगा और इनको हम आने वाले स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर इनकी रोजगार के जो प्रॉब्लम फंसा हुआ है उसको पूरा करेंगे। मगर इसमें जो 4 साल से ही रुका हुआ है, ये 4 साल के 3 साल आप लोगों के है। मैंने उस समय जेओएआईटी के माननीय साथियों से भी, युवाओं से भी ये बात की कि उस की जयराम सरकार की कारगुजारियों की नाकामियों का ठीकड़ा आप हमारे ऊपर ना फोड़े। हमारी 1 साल के कार्यकाल के अंदर जो हम इसमें कर सकते हैं हम करेंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं।